कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल मामले पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने पीएम मोदी को चोर कहा है। वहीं कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वो पीएम मोदी से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार इस मामले में वो सच क्यों नहीं बोल रहे। गौर करने वाली बात तो है कि राहुल गांधी ने इशारों में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का चौकीदार चोरी कर गया और इस बारे में जनता को उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी से इस मामले में सफाई चाहते हैं। बीजेपी के अन्य नेता इस मामले पर बोलते हैं, लेकिन पीएम मोदी आखिरकार क्यों नहीं बोलते? पीएम मोदी के मुंह से सच बुलवाना चाहते हैं वो। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ समय पहले संसद में भी राहुल गांधी ने राफेल मामले पर मोदी सरकार को घेरा था, लेकिन उस दौरान भी पीएम मोदी ने इस मसले पर कोई जवाब नहीं दिया था। SPN9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।